नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। हम आपके लिए लाते हैं वो खबरें जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और जानते हैं वो खबर जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य में तीन चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। मतगणना 10 नवंबर को होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस बीच भाजपा ने राज्य में बड़ी जीत का दावा किया है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एनडीए 220 से ज्यादा सीटें जीतेगा। बताते चले कि राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। एक टीवी डिबेट में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में भाजपा और जेडीयू में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों जुड़वा भाई की तरह हैं। बताते चले कि पिछला विधानसभा चुनाव आरजेडी और जेडीयू ने साथ लड़ा था, जबकि भाजपा अलग थी और इस बार भाजपा जेडीयू एक बार फिर से साथ हैं और आरजेडी अपने सहयोगी दलों के साथ है। पिछले चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, जेडीयू को 71 सीटें, भाजपा को 53 सीटें और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। बाकी 12 सीटें अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीयों के खाते में गई थी। इंद्रप्रस्थ न्यूज की रिपोर्ट।